भाई लोग, सिंधु आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज अयोध्या हिल्स का लास्ट डे है, जो कि डे 3। और हम लोग आज यहाँ से सीधे घर जाने वाले हैं, और रास्ते में ही पड़ता है पाखी पहाड़, जहाँ की आज हम लोग जाने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बोल रहे थे कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा जंगल वगैरह है और आप वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, तो शायद हम भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और फाइनली हम लोग जंगल में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर रास्ता वगैरह तो कुछ है ही नहीं, काफ़ी ख़राब सा, मतलब ये एक रास्ता है, इसे रास्ता तो बोल नहीं सकते, बाइक जाने के लिए ये है ही नहीं। और तो अभी थोड़ी देर से हम लोग इस रास्ते पे चले जा रहे, क्या पता कब पहुँचेंगे पाखी पहाड़ पर। तो चलिए देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और लेकिन ये जो जंगल है, काफ़ी खूबसूरत सा जंगल है, एकदम दिल खुश हो जा रहा है। यहीं कहीं हम लोग कैंपिंग वगैरह करेंगे, या फिर थोड़ा आगे अभी कैंप वगैरह लगा के हम लोग रहेंगे, थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाएंगे, निकलेंगे फिर शाम तक। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर बाइक वगैरह चलाने में, और बीच बीच में थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रोड या फिर छोटे मोटे, मतलब ऊँचे नीचे रास्ते और पत्थर वगैरह आ रहे हैं, तो हम उस पर से भी बाइक को ले कर चल जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस है ऑफ रोडिंग का। ये यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो रहा है, और बीच बीच में इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो जा रहा है कि हालत ख़राब हो जा रहा है मेरा भी और बाइक का भी। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इस टाइप का थोड़ा पहाड़ वगैरह है यहाँ पर, और ये हम लोग धीरे धीरे ऊँचाई की तरफ चढ़ रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है। ये सब फर्स्ट टाइम है मेरा पहाड़ों पर। अब देखिए यहाँ मेरा बाइक फंस जा रहा है, दो लोगों को लेकर शायद नहीं चढ़ पाएंगे, तो मैंने उदय भाई को उतार दिया है, अब मैं धीरे धीरे चढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखिए कैसे बाइक स्ट्रगल कर रहा है, और पीछे पीछे हमारे धनराज भाई भी आ गए हैं। तो भाई लोग, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी एक एक्सट्रीम एडवेंचर करके अभी हम लोग आए हैं। ये यहाँ पर रास्ता था ही नहीं, पर फिर भी हम लोग जैसे तैसे जंगल में से चला के लाए। आप देख रहे हैं यहाँ दूर दूर तक आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, और ये एक छोटा सा जगह है, वो देखिए वहाँ पर हमारी ड्यूक खड़ी है, ड्यूक भी यहाँ पर नहीं आ पाई। और ये हम लोग वहाँ से होते हुए अभी हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस गई हैं, क्योंकि इसके आगे रास्ता है ही नहीं, तो अभी हम लोग सबको यहाँ पर बैठे हुए हैं, फ़ोटो वगैरह ले रहे, देख रहे कि आगे क्या किया जा सकता है। हमें उस वाले पहाड़ पर जाना है जो कि एकदम ऊंचाई पर है वहाँ पर, और आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो देखिए हमारे उदय भाई भी वहाँ पर खड़े हैं। चलिए आप लोग को थोड़ा ऊपर जाके और दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू, और वो रहे हमारे उदय भाई जो कि नीचे ही रह गए हैं अभी। हो गया घुमा। वहां पर खड़ा हो जा, वहां पर, और पीछे जा।
और उस पहाड़ की खूबसूरती देखिए जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये मैं अपने लाइफ में ये फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रीम राइड कर रहा हूँ, मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर फिर भी ये बाइक बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का हार्ड ऑफ रोडिंग इस बाइक से हो पाएगा। मैंने सोचा था कि मुझे हीरो का एक्सपल्स खरीदना चाहिए, पर लेकिन ये बाइक भी काफ़ी साथ दे रही है, अभी तक इसने कोई दिक्कत नहीं दिया। इसका शॉकर भी काफ़ी स्मूथ है और पहाड़ी रास्तों पर अभी हम एकदम आराम से चल रहे हैं। आप वहाँ का पहाड़ी रास्ते देख सकते हैं कैसा एडवेंचर भरा था, पत्थर वगैरह ऊँचे वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। और ये जंगल भी पूरा एकदम सन्नाटा है, यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं, आप दूर दूर तक देख सकते हैं, रास्ता वगैरह आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा ऑफ रोड कर रहा हूँ और एक्सट्रीम भी पूरा पूरा साथ दे रहा है। इस बाइक में बहुत सारे प्रॉब्लम है पर लेकिन फिर भी चल रही है, यही मेरे लिए बहुत है। और आप यहाँ के रास्ते देख सकते हैं, रास्ते एकदम ना के बराबर है और यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते, तो मेरे इंजन गार्ड में बार बार लग जा रहा है, तो इसीलिए मैं बार बार बाइक ब्रेक मार रहा हूँ। सीधे रास्ते से नहीं जाके टेढ़ा इधर उधर से जाना पड़ रहा है और काफ़ी ऊंचे नीचे रास्ते हैं। कैमरा में आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा पर लेकिन काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ते हैं यहाँ के। जैसे तैसे हम बाइक लेके निकल रहे हैं यहाँ से और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी कैंप वगैरह लगाने का टाइम हो गया है, बाकी सब हमारा वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो वो लोग को बुलाते हैं, बुला के कैंप वगैरह लगाते हैं और बस 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक हम लोग रेस्ट करेंगे, फिर निकल जाएंगे घर के लिए। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप कभी भी अयोध्या हिल्स आए तो पाखी पहाड़ ज़रूर आए, कैंपिंग करें 2-3 दिन, काफ़ी आपको मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा।